राधे राधे किसान साथियों जय जवान जय किसान ऑर्गेनिक एग्रो फॉरेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है किसान साथियों जैसा कि आप सभी को पता है आ, मैं, मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक एग्रो फॉरेस्ट्री में ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड नए नए वीडियो लेके आप सभी के सामने आता रहता हूँ किसान साथियों आज होली हैप्पी होली है किसान साथियों आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही यूनिक और डिफरेंट है बिना मिट्टी के खेती हाँ किसान साथियों क्या ये पॉसिबल है क्या ये नई टेक्नोलॉजी है और ये कैसे पॉसिबल है और पॉसिबल है तो न्यूट्रेंट्स प्लांट्स को कैसे मिलेंगे और किस जगह और किस एरिया में सूटेबल है यह स्टार्ट हो चुकी है इनोवेशन प्रोग्रेस में है इन सभी चीज़ों को लेके आज हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि खेती की कौन सी तकनीक है हो सकता है कि आपने कभी पानी से भरे ग्लास में या किसी बोतल में किसी पौधे की टहनी रख दी हो तो देखा होगा कि कुछ दिनों के बाद में उसमें जड़ें निकल आती हैं और धीरे धीरे वह पौधा बढ़ने लगता है जबकि हम देखते आए हैं कि सामान्यतः पेड़ पौधे ज़मीन पर उगाए जाते हैं ऐसा लगता है कि पेड़ पौधे उगाने और उनके बड़े होने के लिए खाद मिट्टी पानी और सूर्य का प्रकाश होना बहुत ज़रूरी है आप देख सकते हैं किसान साथियों इस पिक्चर में जो स्लाइड में आप दिख रही है इसमें बोतल है बोतल में कुछ पेड़ की टहनियाँ डाली हुई हैं कुछ दिनों बाद इनमें जड़ें निकल आई हैं ये कैसे पॉसिबल हुआ कौन सी टेक्नोलॉजी क्या फॉर्मूला है क्या मेथड है इसी के बारे में हम, हम चर्चा करेंगे लेकिन सच यह है कि पौधे या फसल उत्पादन के लिए सिर्फ तीन चीज़ों पानी पोषक तत्व सूर्य का प्रकाश इन सब की आवश्यकता होती है इस तरह यदि हम बिना मिट्टी के ही पेड़ पौधों को किसी और तरीके से पोषक तत्व उपलब्ध करा दें तो बिना मिट्टी के भी पानी और सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे उगाए जा सकते हैं दरअसल बैठते शहरीकरण और बढ़ती आबादी के कारण जब फसलों और पेड़ पौधों के लिए जमीन की कमी होती जा रही है तो बिना मिट्टी के पेड़ पौधे उगाने वाली तकनीक का आविष्कार हुआ है तो देख सकते हैं किसान साथियों प्लांट्स के लिए एक प्लांट्स के जीवित रहने और उसके ग्रोथ करने के लिए तीन चीज़ें चार चीज़ें ज़्यादा जरूरत है पानी लाइट न्यूट्रिएंट्स ज़्य और वाम्थ लाइट मिन सूर्य का प्रकाश न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रियम पोषक तत्व वाम उसको गर्मी अब ये तकनीक क्या है इसका क्या नाम है इस तकनीक का नाम है हाइड्रोपोनिक्स तो हाइड्रोपोनिक्स है क्या बिना मिट्टी के पौधे उगाने की तकनीक को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स शब्द का अर्थ शुद्ध रूप से पानी के घोल में उगने वाली फसलों की विधि से है जो मिट्टी के उपयोग के बिना आवश्यक पोषक तत्वों से भरा होता है हाइड्रोपोनिक तकनीक में पानी पोषक तत्व और दूसरे साधनों के जरिए घर के अंदर पौधों को तैयार किया जाता है इसमें मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती है हाँ किसान साथियों मेरे स्पेशली मेरे अर्बन एरियाज़ के जो दोस्त हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि ये उनके लिए सबसे उपयोगी चीज़ है देख सकते हैं आप स्लाइड्स में कि किस तरीके से एक ऐसा सेटअप बनाया हुआ है जिसमें पानी है और वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के माध्यम से जो है पोषक तत्व जो है पानी में डाले जा रहे हैं और वो रूट के थ्रू पेड़ तक पहुंच रहे हैं कैसे ही जो अनावश्यक पानी है उसका निकालने का अतिरिक्त भाव बनाया हुआ है अब इसके फायदे क्या क्या हैं ये इको फ्रेंडली तकनीक है इस तकनीक में पौधों में रोग भी नहीं लगता आप अपने पौधों को दिए गए पोषक तत्वों की मात्रा को नियंत्रित कर सकते हैं इस तकनीक में थोड़े से पानी के इस्तेमाल से भी पौधे तैयार हो जाते हैं कम जगह के होते हुए एक स्थायी तरीके से हाइड्रोपोनिक सिस्टम से बड़ी मात्रा में स्वास्थ्यप्रद भोजन को विकसित किया जा सकता है हाइड्रोपोनिक सिस्टम में आप अपने फ्लेट में या घर में किसी कोने में छत पर बालकनी में आराम से पौधे और सब्जियां उगा सकते हैं स्पेशली अर्बन एरियाज के लिए सबसे बेस्ट है आप देख सकते हैं कि हाइड्रोपोनिक्स का जो किट है वो लगा हुआ है आप अपनी छत पे इसको सेट कर सकते हैं बालकनी में कर सकते हैं अपने रूम या विंडो के आसपास अब एक मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा देखिए ये पी पाइप है ये जो है हाइड्रोपोनिक्स किट है इसमें एक टमाटर का जो पेड़ है वो लगा हुआ है उस किस तरीके से पानी में डूबा हुआ है और कैसे इसमें जो पोषक तत्व हैं इसकी जो ज़रूरतों को पूरी कर रहे हैं उन तो जड़ें निकल आई हैं देखो पेड़ एकदम हरा भरा स्वस्थ पेड़ है आप देख सकते हैं और भी अलग अलग तरह के इसमें पेड़ लगे हुए हैं ये धनिया है ये पालक है ये देखिए कैसे पानी का सर्कुलेशन जो चल रहा है एक मोटर डाली हुई है पंप डाला हुआ है वही पानी का सर्कुलेट कर रहा है पानी एक जगह रुक नहीं रहा है वो पानी सर्कुलेट हो रहा है अनावश्यक पानी जो निकल जा रहा है ये देखो ये राई का पेड़ है बि, बिना किसी मिट्टी के देखिए किसान साथियों मेरे शहरी साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि आप सब इस तकनीक को अपनाकर अपने जो है घर में अपनी छत पर इन सब पे खेती कर सकते हैं किसान साथियों आज के लिए बस इतना ही चैनल पे जो लोग नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक करते रहिए शेयर करते रहिए ताकि नई नई जो ये जो तकनीक है सभी दोस्तों को पहुँचे धन्यवाद